मैं माही पठान, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। दो घंटे के भीतर तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में। घटनास्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक, डीवाईएसपी व पीआई और पीएसआई ने की छानबीन। बैंक में पैसे भरने निकला सरफराज, नहीं पहुंच पाया घर। मामूली विवाद के चलते युवक को उतारा मौत के घाट। पुलिस की कार्रवाई से नागरिक संतुष्ट। पहले भी संगीन जुर्म में शामिल था कातिल। भंडारा शहर के डॉक्टर हेडगेवार चौक परिसर में मामूली विवाद में एक 18 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या करने की घटना घटी। ये घटना शुक्रवार 19 जून को दोपहर 12 बजे के दौरान हुई। मृतक युवक का नाम भंडारा शहर के लाला लजपत राय वार्ड निवासी सरफराज कासम शेख बताया जाता है। पुलिस ने आरोपी शुभम श्रीधर वाघाए उम्र 30 वर्ष, राहुल रामकृष्ण राउत उम्र 18 वर्ष व एक विदेश संघर्ष बालक, तीनों आरोपी शहर के रानी लक्ष्मीबाई वार्ड निवासी बताए जाते हैं। शुक्रवार दोपहर 12 बजे के करीब सरफराज अपने दो साथियों के साथ देना बैंक में पैसे भरने हेतु जा रहा था। शहर के डॉक्टर हेडगेवार चौक परिसर से जाते हुए सरफराज की दुपहिया को आरोपी शुभम वाघाए की दुपहिया से कट लगा, जिस पर दोनों गुटों में विवाद हुआ और विवाद के दौरान हाथापाई में आरोपी शुभम ने सरफराज को लोहे की सलिए सिर तथा मुंह पर वार किया। सरफराज खून में लथपथ पड़ा था, तभी आरोपी व उसके दो साथी घटनास्थल से भाग निकले। पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस के पहुंचने के पहले ही सरफराज की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक अरविंदर साड़वे, अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, उपविभागीय पुलिस अधिकारी रीना जनबंधु, उपविभागीय पुलिस अधिकारी संतोष बिसेन ने घटनास्थल पर भेंट दी। पुलिस ने आरोपियों को दो घंटे में हिरासत में लेकर धारा 302 के तहत अपराध दर्ज किया है। घटना की जांच थानेदार कांसे के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक खाड़े कर रहे हैं। 12 बजे दोपहर में 12 बजे कॉल आया कि किसी को मारा है हेडेवार चौक में, भंडारा में। 5 मिनट में स्पॉट पर गई हमारी टीम, में पहुंचा। सरफराज कासम से मेंढा का रहने वाला युवक था, वो इंजर्ड था, उसको इमीडिएटली में अस्पताल में भेजा। बात ऐसी है कि सरफराज जो मृतक है और उसके दो साथी ऐसे ट्रिपल सीट जा रहे थे, सामने से जो शुभम वाघाए करके है और उसके साथ दो बंदे थे वो आ रहे थे, तो मोटरसाइकिल की कट मारने की वजह से दोनों में थोड़ा शाब्दिक बाचा बाची हो गई, तुतुमई में हो गई दोनों में, और बढ़ता गया। उसमें से शुभम वाघाए जो है उसने उधर का एक जो लोहे का सही रहता है सलाद वो लेके उसको बुरी तरह से इंजर किया, आँख पर मारा, हेड पर मारा और उसमें वो बुरी तरह से खून भी बहुत आ गया। उसको डॉक्टर ने डेथ को लेके गए तो डेथ डिक्लेयर किया। हम तो पता था, तो तुरंत ये शुभम वगैरह को उठाया गया। बाद में उसके थ्रू सामने वाला जो लड़का था उसके साथ में, उसमें उनमें से एक नाबालिग है, उनको भी पूछताछ के लिए लिए। बाकी जो कार्रवाई चालू है, हमारी कोशिश रहती है 100% स्पॉट पे पहुँचेंगे फ्यूचर में। आज हमको ऐसा पब्लिक से तुरंत कॉल आ गया, जो जागरूक नागरिक था फोन नहीं लगा, वो भाग के इधर आया, उसने बताया हमको। मैं तुरंत उसके गाड़ी के पीछे मैंने मेरी गाड़ी लगाई, बाकी लोगों को अलर्ट किया, सब हम स्पॉट पे टूट पड़े हैं वो काम पे। और बाकी आरोपी भी मिले, केस सॉल्व हो गया। लेकिन एक बुरा लगता है कि 18 साल का युवक एक सडन प्रोफेशन में, उनमें वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, रोड पे जो बाचा बची हुई उसमें उससे बुरी तरह से मारा।
बैड इंसिडेंट बॉडी ऑफेंसेस उसके ऊपर रजिस्टर है, वो भी हम निकाल रहे हैं अभी इन्फॉर्मेशन। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।